टेन पुलिस बन गया, कॉस बेचारा पीछे रह गया, साइन परेशान है, कॉस बीमार है, कौशिक के पास एचपी का लैपटॉप है और शेख हमेशा बोलता है अल हबीबी प्लीज सब्सक्राइब आदित्यपुरम। जय महाकाल, मेरा नाम सम्राट है और आप देख रहे हैं आदित्यपुरम। तो आइए आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले ट्रिगोनोमेट्री के बारे में। समथिंग मैसूरी अक्सर कहते हैं आसान है आसान है, तो इसी के बारे में कहते हैं। सबसे ज्यादा जो आसान चीज है वो ट्रिगोनोमेट्री ही है, इससे आसान कुछ भी नहीं। यदि आपको ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, आज से पहले आप इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज के बारे में और इसके बहुत सारे फंक्शन के बारे में अवेयर नहीं है, तो इस वीडियो में आप बहुत ही बेसिक लेवल से जो है ना हर एक चीज सीखेंगे। तो चलिए स्टार्टिंग में चलते हैं। देखिए टेन पुलिस बन गया, आपको हम जो है ना निमोनिज्म के थ्रू जो है ना याद करवा देंगे, ये सारा फॉर्मूला याद, आपको रटना नहीं पड़ेगा, दिमाग में बैठा देंगे, एक बार पढ़ाएंगे और आपको हमेशा पूरी लाइफ याद रहेगा। याद देखिए टेन और कॉट जो है ना दो दोस्त था, कॉट हमेशा टेन का जो है बुराई करता था, कॉट हमेशा क्या करता था टेन का बुराई करता था, बोलता था तुमसे नहीं होगा, ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, लेकिन टेन जो है कंटिन्यू मेहनत करते रहा और टेन जो है अभी पुलिस लग गया। ठीक है, तो टेन जो है पुलिस बन गया है, टेन क्या हुआ पुलिस बन गया, कॉस बेचारा पीछे रह गया। जितना एफर्ट आप दूसरे को पीछे खींचने में लगाते हैं ना, उससे आधा एफर्ट लगा के आप उससे नहीं बल्कि सबसे आगे जा सकते हैं। तो एफर्ट जो है ना आपको अपने स्किल्स डेवलप पे लगाना चाहिए, आपको अपने प्रोग्रेस पे लगाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस दोनों में डिस्प्यूट चल रहा था, टेन जो है पुलिस बन गया। ठीक है, कॉस बेचारा पीछे रह गया है, कॉस कहां रह गया है पीछे रह गया। इस दोनों फॉर्मूला, इससे दोनों से जो है ना फॉर्मूला निकालेंगे। देखिए टेन पुलिस बन गया, पुलिस का हम पी बाहर किए और बन गया यहां बॉस से बी बाहर किए। ठीक है, अब इससे हम एक फॉर्मूला बनाए, फॉर्मूला क्या बन गया टेन बराबर पी बटे बी, टेन बराबर पी बटे बी, टेन बराबर पी बटे बी। अच्छा ये पी किसके लिए है, बी किसके लिए, पी से परपेंडिकुलर बी से बेस, पी से परपेंडिकुलर बी से बेस। ठीक है, देखिए कॉट बेचारा पीछे रह गया, कॉट बेचारा पीछे रह गया। ठीक है, तो बेचारा से फिर बी बाहर किए, पीछे से पी बाहर किए, कॉट जो है कॉट बराबर क्या हो गया बी बटे पी। ठीक है, अब देखिए टेन बराबर वन बटे कॉट होता है, टेन बराबर क्या होता है वन बटे कॉट। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर वन बटे कॉट थीटा होता है, ये उल्टा होता है, कैसे होता है क्यों होता है सारा चीज बताएंगे इसी वीडियो में। ठीक है, बने रहिए, स्टार्ट स्किप मत करिएगा वीडियो, पूरा वीडियो अच्छे से देखिए, आज आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है, जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्री का। तो ये देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है वन बटे कॉट थीटा, यदि आपको इस दोनों में से एक भूल भी गए, ठीक है आपको याद नहीं रहा, तो एक भी यदि याद रहा तो आप देखिए दोनों बना सकते हैं। यदि आपको टेन बराबर भी याद रह गया, टेन पुलिस बन गया, पुलिस का पी बन गया का बी, यदि आपको टेन बराबर याद है पी बटे बी होता है, इसी का उल्टा तो कॉट होता है, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा बी बटे पी। ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ज्यादा आसान, बाकी इसको आप एक दो बार पढ़िए बोलिए, ठीक है आपको खुद में खुद याद हो जाएगा, बहुत ही आसान है। स्लाइड है, साइन परेशान है, कॉस बीमार है। ठीक है, बहुत ही छोटा सा नॉर्मल बात है, हम कोई भी चीजों से घबरा जाते हैं, थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, ये बहुत ही कॉमन वर्ड है, हम लोग डेली लाइफ में बहुत बार यूज करते हैं। देखिए साइन परेशान है, साइन क्या है परेशान है। ठीक है, अब देखिए तो परेशान से पी बाहर किए, हाई से एच बाहर की, तो साइन बराबर क्या हो गया पी बटे एच, साइन बराबर क्या हो गया पी बटे एच, साइन परेशान है, साइन बराबर पी बटे एच, साइन बराबर पी बटे एच। उसके बाद देखिए कॉस बीमार है, बीमार का बो बाहर किए, बो से क्या हो गया बी, और हाई से एच बाहर किए। ठीक है, तो कॉस बीमार है, इससे हम क्या फॉर्मूला बना लिए, कॉस बराबर बी बटे एच, कॉस बराबर बी बटे एच। आप इसको एक दो बार रिपीट कीजिए, ठीक है, जितना आप रिपीट करेंगे आपको उतना जो है ना अच्छे से याद हो जाएगा और भूलिएगा नहीं। तो साइन बराबर हम क्या लिखिए कि पी बाय एच, साइन बराबर क्या फॉर्मूला बन गया गया पी बाय एच। अच्छा कॉस बराबर क्या फॉर्मूला बन गया गया, कॉस बराबर फॉर्मूला बन गया गया बी बाय एच। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है ये सब आपको आने चाहिए। ठीक है, अब देखिए कौशिक के पास एचपी का लैपटॉप है, कौशिक के पास किसका लैपटॉप है एचपी का, एचपी से इसको रिलेट कीजिए, तो कौशिक बराबर डायरेक्ट आपको याद हो जाएगा एचपी, एच बटे पी,
कोसेक बराबर क्या हो गया एचपी, और शेख हमेशा कहता है अल हबीबी प्लीज सब्सक्राइब आदित्यपुरम। शेख हमेशा क्या कहता है अल हबीबी प्लीज सब्सक्राइब आदित्यपुरम। आदित्यपुरम हमारे चैनल का नाम है, ठीक है, इसको हम रिलेट करने के लिए ऐसे ही बना दिए। अच्छा देखिए, शेख हमेशा बोलता है, हमेशा से हमने क्या बाहर किया एच बाहर किया और बोलता से बी बाहर किया, ठीक है। अब देखिए तो शेख बराबर क्या हो गया एच बट्टे बी, शेख बराबर क्या हो गया एच बट्टे बी। सारे के सारे छह के छह फॉर्मूला जो है आपको आसानी से याद हो गया, ठीक है। अब एक दो बार इसको रिपीट कीजिए, टेन पुलिस बन गया कॉस बेचारा कॉट बेचारा पीछे रह गया, टेन पुलिस बन गया कॉट बेचारा पीछे रह गया, साइन परेशान है कॉस बीमार है, कौशिक के पास एचपी का लैपटॉप है, कौशिक के पास एचपी का लैपटॉप है, और शेख हमेशा बोलता है अल हबीबी प्लीज सब्सक्राइब आदित्यपुरम, ठीक है। तो देखिए अब हम आते हैं अपने रियल फॉर्मूला पे, ये तो था याद करने का तरीका, ठीक है, हम कुछ से कुछ मन में बैठा के, ठीक है, और निमोनिज्म के थ्रू जो है हम इसे याद करेंगे। लेकिन देखिए आपको तो काम बेसिक फॉर्मूला पे ही करना है, तो आपको जो है फाइनल रिजल्ट याद रखना है। फाइनल रिजल्ट क्या है इसे देखिए, साइन परेशान है, साइन परेशान है तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया पी बटे एच, साइन थीटा बराबर क्या हो गया पी बटे एच, साइन थीटा बराबर क्या हो गया पी बटे एच, ठीक है। अच्छा देखिए ये जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री के मैक्सिमम फंक्शन जो है वो किस पे डिस्कस करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे। अच्छा राइट एंगल ट्रायंगल क्या हो गया ऐसे त्रिभुज जिसमें कि एक कोण जो है 90 डिग्री का हो, ठीक है, ऐसे त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना हो 90 डिग्री का हो, ठीक है। अच्छा अब समझिए एक बात कि 90 डिग्री का कोण यहां इस तरह से आपको पता चल रहा है कि ये जो है 90 डिग्री का कोण है यहां पे, ठीक, इसके सामने वाला भुजा 90 डिग्री के जो सामने भुजा पड़ती है उसे हम लोग कर्ण कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं कर्ण, हिंदी में इसे कर्ण कहते हैं और इंग्लिश में इसे हाइपोटेनस कहते हैं, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं हाइपोटेनस, एच वाई पी ओ टी एन यू एस ई हाइपोटेनस, इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं हाइपोटेनस। अच्छा देखिए आप देखिए ये लंब और आधार बच गया, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर, आधार को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में बेस, आधार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेस, गाना सुने थे ना बेबी को बेस पसंद है, तो आधार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेस, आधार को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं बेस, ठीक है। अच्छा और लंब को अंग्रेजी में बोलते हैं परपेंडिकुलर, बेस को हम लोग आधार बोलेंगे हिंदी में और परपेंडिकुलर को जो है हम क्या बोलेंगे परपेंडिकुलर को बोलेंगे लंब। अच्छा एक बात समझिए, ये तो फिक्स है कि 90 डिग्री के जस्ट सामने जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं, यानी कि एच, शॉर्टकट में यदि इसे हम लिखें तो इसे हम क्या लिखेंगे एच, इसे हम क्या लिखेंगे एच, इसे लिखेंगे बी और इसे लिखेंगे पी, ठीक है। तो ये सारा जो एच बी पी ये सब आ रहा था ना यहीं से आ रहा था, इसी का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। देखिए एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझिए कि हाइपोटेनस फिक्स रहता है 90 डिग्री के जो सामने है वो हाइपोटेनस रहेगा। अब देखिए बेस और परपेंडिकुलर बदलते रहता है, बेस और परपेंडिकुलर बदलती रहता है, कब बदलता है कैसे बदलता है उसको आप समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेस कैसे बदलता है परपेंडिकुलर कैसे बदलता है दोनों आपस में चेंज हो जाता है। देखिए सपोज कि ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ये जो है एच है हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस 90 डिग्री के जस्ट सामने सामने हो गया। अब इसमें देखिए कि अभी मान के चलिए ये बी है बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो बेस किसको कहेंगे और परपेंडिकुलर किसको कहेंगे इसके लिए जरूरी है कि हम किस एंगल पे बात कर रहे हैं। यदि हम इस एंगल पे बात कर रहे हैं, ठीक है, हम किस एंगल के लिए बात कर रहे हैं ये वाले एंगल के लिए बात कर रहे हैं, सपोज मान लीजिए ये एंगल थीटा एंगल है, यदि हम थीटा एंगल के लिए बात कर रहे हैं तो जिस एंगल के बात हम कर रहे हैं उस एंगल से लेके 90 डिग्री तक जाएंगे, उस एंगल से कहां तक जाएंगे 90 डिग्री तक। देखिए ये थीटा एंगल का बात कर रहे हैं, थीटा एंगल से हम कहां तक जाएंगे 90 डिग्री तक, ठीक है, तो थीटा से 90 डिग्री जाएंगे, थीटा से 90 डिग्री जाने में जो साइड बीच में आता है जो साइड आपको पड़ेगा उसी साइड को हम लोग बेस कहते हैं, उसी साइड को क्या कहते हैं बेस कहते हैं। तो इसके हिसाब से यदि थीटा यहां पे है तो बेस हमारा ये हो जाएगा, और देखिए हमको बेस पता चल गया हाइपोटेनस पता चल गया, उसके बाद जो बच जाता है वो परपेंडिकुलर है, यानी थीटा के सामने सामने का जो एंगल बनता है उसे क्या कहते हैं परपेंडिकुलर कहते हैं, ठीक है।
अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यदि थीटा चेंज कर दिया जाए, एक और एंगल लीजिए, ठीक है 90 डिग्री इसको कर दिए, तो इसके सामने सामने ये तो एच हो गया। अब यदि हम थीटा यहां पे लगा दें, थीटा कहां पे, अपोजिट साइड लगा रहे हैं, यहां पे हम थीटा लगा दिए, ठीक है। अब थीटा हम जहां पे लगाएंगे उससे 90 डिग्री तक जाना है, थीटा से कहां तक जाना है, 90 डिग्री तक जाना है। देखिए ये हमारा थीटा है, ये थीटा एंगल से 90 डिग्री तक यहां तक जाएंगे, ठीक है। ये नहीं कि ये आपको दिख रहा है परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, थीटा के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो थीटा के अकॉर्डिंग हम चलेंगे, ये हमारा बेस है, ये क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। यदि हम इस एंगल पे बात करेंगे, थीटा यहां पे है, तो हमारा बेस क्या होगा, ये हो जाएगा, और थीटा के जस्ट सामने सामने यानी कि ये जो है ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस देखिए चेंज हो रहा है, किसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है, थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज होता है। किसके रिस्पेक्ट में चेंज होता है, वो थीटा के रिस्पेक्ट में चेंज होता है, ठीक है। यदि थीटा आपका इस ऊपर पे रहेगा तो उसके सामने सामने वाला जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा, और थीटा से लेके 90 डिग्री तक चलेंगे, थीटा से लेके कहां तक चलेंगे, 90 डिग्री तक। तो थीटा से लेके 90 डिग्री तक चलने पे जो हमको साइड मिलता है उसे हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये थीटा है, इस थीटा से यहां तक चले तो यहां पे बेस ये हो गया। अब देखिए हाइपोटेनस तो चेंज नहीं होता है, दोनों जगह सेम है, बेस और परपेंडिकुलर इंटरचेंज हो गया, ठीक है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझिए, ठीक है, जिस एंगल पे बात करेंगे उस एंगल के अकॉर्डिंग जो है हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर आप जो है काउंट करेंगे। अब देखिए ये सारा फॉर्मूला, ये सारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इस इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को जो है ना आपको हम याद कराने के लिए ट्रिक दिए हैं, उस ट्रिक को जो है ना एक दो बार आप बोलिए मेरे साथ साथ रिपीट कीजिए और इसे याद कर लीजिए, ठीक है। ट्रिक काम नहीं आता है, ठीक है, आपको याद आएगा वही चीज जो आप अच्छे से रिवीजन कर चुके होंगे, ठीक है, आपको काम आएगा ओवरऑल रिजल्ट्स ही, आपको रिजल्ट्स याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। रिजल्ट्स याद करने में ट्रिक्स आपको जो है हेल्प कर सकता है, वो एक ऑक्सिलरी है, ठीक है, आपको सपोर्ट दे सकता है, वो ओवरऑल नहीं है। तो आपको 100% यही चीज याद रखना पड़ेगा, इसी फॉर्म में याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं कि ये ट्रिक वगैरह सब कर लिए उससे हम याद रखेंगे, नहीं रहेगा याद, ठीक है। आप कोशिश कीजिए किसको इसी फॉर्म में एज इट इज याद रखिए, हाँ इसको याद रखने के लिए यदि आपको ट्रिक्स की जरूरत पड़ती है तो आप उसे यूज कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे एच, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, इसको रिपीट कीजिए 2-4 बार 5 बार 10 बार लिखिए इसको, ठीक है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे एच, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे एच, ठीक है। टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी, पी बटे बी, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी, टेन थीटा बराबर क्या होता है, पी बटे बी, ठीक है। टेन थीटा का उल्टा कर दीजिए, ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे पी, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, बी बटे पी, अच्छा कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटे पी, एच बटे पी, एच बटे पी, ठीक है, और सेक थीटा बराबर क्या होता है, एच बटे बी, एच बटे बी। इसको एक दो बार 4 बार 5 बार करिएगा ना, याद हो जाएगा, ठीक है, ये याद होना जरूरी है। चलिए अब इसे फॉर्मूला पे एक बार जो है हम आपको जो ट्रिक बताए उस पे जाते हैं, ठीक है। तो साइन परेशान है, साइन क्या है, परेशान है, तो परेशान से पी और एच बाहर कर दिए, तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, पी बटा एच, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, पी बटा एच, साइन परेशान है तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, पी बटा एच, साइन परेशान है, साइन थीटा बराबर पी बटा एच, ऐसा फॉर्मूला दे रहे हैं। इस तरह से आपको ट्रिक से हम बता रहे हैं कि आपको लाइफ टाइम याद रह जाएगा, ठीक है। आप कंटिन्यू इसको जो है एक दो बार देखिए, एक बार में यदि याद हो जाता है बहुत अच्छी बात है, तो एक बार दो बार वीडियो को रिपीट करके देखिए, और स्टडी रिलेटेड जितने भी आपके दोस्त हैं उसको भी भेजिए वीडियो, रिकमेंड कीजिए, ताकि उसको भी जो है ना आज तक से मान के चलिए कि यदि उसे समझ में नहीं आ रहा होगा या उसको फियर होगा यार बहुत भारी है, नहीं समझ में आता है साइन थीटा कॉस थीटा कैसे कैसे एंगल्स काम करते हैं, कैसे कैसे फॉर्मूलाज हैं, किस तरह से किसका क्या होता है, तो उसको भेजिए। बेसिक लेवल से जो है ना पूरा एडवांस लेवल तक कंप्लीट कराएंगे, ठीक है, एक बैक टू बैक वीडियो बनाते जाएंगे इस पर। देखिए कॉस थीटा बराबर क्या आपको बताए थे, कॉस बीमार है, कॉस क्या है, बीमार है, तो बीमार से बी बाहर किए और है से एच बाहर किए, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, बी बटे एच, साइन परेशान है, कॉस बीमार है, बहुत सिंपल सा तो है, बहुत सिंपल है, एक लाइन तो याद रखना है, साइन परेशान है, कॉस बीमार है, साइन परेशान, आप मन ही मन याद रखिए, जैसे आप लिखिएगा ना साइन थीटा आपके माइंड में आएगा परेशान है पी एच, सिंपल तो हो गया, ठीक है। जैसे कॉस लिखिएगा ना आपको तुरंत माइंड में एक सेकेंड से पहले भी क्लिक कर देगा, कॉस बीमार है तो कॉस थीटा बराबर बीमार है बी एच,
cos थीटा बराबर b बटे h, sin परेशान है p बटे h, cos बीमार है cos b बटे h, सिंपल तो हो गया। ठीक है, अब देखिए sin का उल्टा क्या होता है, sin का उल्टा होता है cosec, तो cosec बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cosec बराबर हम लिख लेंगे h बटे p। ठीक है, यदि फॉर्मूला से याद रख सकते हैं डायरेक्ट, तो फॉर्मूला से भी याद रखिए, cosec थीटा बराबर क्या हम आपको फॉर्मूला दिए थे एच बटे पी के लिए, कि कौशिक के पास एचपी का लैपटॉप है, कौशिक के पास किसका लैपटॉप है, एचपी का लैपटॉप है। ठीक है, देखिए कौशिक के पास किसका लैपटॉप है, एचपी का लैपटॉप है, आपको इसी आसानी से याद रह जाएगा, कौशिक बराबर एच बटे पी, कौशिक बराबर एच बटे बी। ठीक है, टेन पुलिस बन गया, टेन क्या बन गया था, पुलिस बन गया था, तो टेन बराबर क्या हो गया, पी बटे बी, पुलिस बन गया पी बी, पी बी। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, यदि आप अच्छे से इसे याद कर लेते हैं और एक सेकंड दो सेकंड में आप इसे लिख पा रहे हैं, तो ये आपको जो है ना सवाल बनाने में बहुत ज्यादा यूजफुल होगा, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ठीक है, अच्छा देखिए, टेन पुलिस बन गया, गॉड बेचारा पीछे रह गया, जब आदमी थोड़ा पीछे रह जाता है तो उसे टेंशन होता है, उसे क्या होता है, टेंशन होता है, उसका बीपी बढ़ जाता है, तो गॉड का क्या बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, बी बटे पी, कॉट का क्या बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। ठीक है, या इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि कॉस जो है बेचारा पीछे रह गया, कॉस बेचारा पीछे रह गया। ठीक है, पीछे रह गया इसका मतलब क्या हो गया, बेचारा से बी बाहर किए और पीछे से पी बाहर कर लिए, तो यहाँ पे जो है कॉट बराबर क्या हो गया, बी बटे पी। एक चीज और याद रख सकते हैं, कॉट का जो है बीपी बढ़ गया, बीपी बढ़ गया। ठीक है, टेंशन से उसका क्या हुआ, बीपी बढ़ गया। ठीक है, वो हमेशा जो है टेन का बुराई करते रहता था, टेन लग गया तो उसको जो है थोड़ा टेंशन हुआ, टेंशन से उसका बीपी बढ़ गया। ठीक है, तो कॉस बराबर क्या हो गया, बी बटे पी, ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। और सेक हमेशा कहता है, सेक हमेशा कहता है, हमेशा से एच बाहर किए, बोलता है से बी बाहर किए, तो सेक बराबर क्या हो गया, एच बटे बी, सेक हमेशा बोलता है, क्या बोलता है, अल हबीबी प्लीज सब्सक्राइब आदित्यपुरा। अब देखिए आपको हिंदी में भी याद रखना है, ठीक है, कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है जिसको हाइपोटेनस बेस परपेंडिकुलर उस तरह से याद नहीं रह रहा है, ठीक है, आपको लंब आधार कर्ण के तरह ज्यादा समझ में आता है, तो उसके लिए भी देखिए आप उसे इस तरह से याद रख सकते हैं। ठीक है, लक उसी का साथ देता है जो कल के भरोसे काम को नहीं छोड़ता है, लक उसी का साथ देता है जो कल के भरोसे काम को नहीं छोड़ता है। हम हमेशा आपको बोलते हैं आप कम से कम 8 घंटा रेगुलर पढ़िए, आप कम से कम 8 घंटा रेगुलर पढ़िए, लेकिन आप लोग जो है मोबाइल में व्यस्त रहते हैं आजकल, तो जिसके कारण क्या होता है कि बहुत सारा प्राइम टाइम आपका बर्बाद हो जाता है। ठीक है, अच्छा ये हम आपको एडवाइस के लिए नहीं बताए, इससे एक ट्रिक बाहर निकलेगा। देखिए लक उसी का साथ देता है जो कल के भरोसे कोई काम नहीं छोड़ता है, लक, तो पहला हमारा क्या बन जाएगा, लक से लो और को बाहर करेंगे, लम बटे कर्ण बन जाएगा। ठीक है, लक उसी का साथ देता है जो कल के भरोसे काम नहीं छोड़ता है, किसके भरोसे काम नहीं छोड़ता है, कल के भरोसे काम नहीं छोड़ता है। कल देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक, तो कौशिक बराबर निकल जाएगा कर्ण बटे लंब, कौशिक बराबर क्या निकल गया, कर्ण बटे लंब। अब देखिए आप कम से कम 8 घंटे रोज पढ़ाई कीजिए, आप कितने घंटे रोज पढ़ने के लिए हम रिकमेंड करते हैं, कम से कम 6-7 घंटा 8 घंटा रेगुलर पढ़िए। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, कम से कम जो है आप 8 घंटा पढ़िए। अब देखिए यहां से आप कम से कम, इसमें जो कलरफुल है वो आपको दिख रहा होगा, तो ये देखिए आ से जो है आधार ले लीजिए और कॉस से कर्ण ले लीजिए, कॉस थीटा का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटा कर्ण। ठीक है, लेकिन आजकल आप लोग मोबाइल में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, लेकिन आजकल आप लोग, ठीक है, अच्छा देखिए कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो फिर को और आ रहा है ना, तो कर्ण बटे आधार ये हो जाएगा। अब देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, यहां देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। देखिए ये सब फॉर्मूला है, इसको आप लिख के याद कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, लेकिन यदि आपको फिर भी चाहिए कि नहीं आपको ट्रिक के माध्यम से ही याद करना है, तो भी आप आसानी से याद कर सकते हैं, एक इजी सा ट्रिक देते हैं, बहुत ही बेसिक सा ट्रिक, उस ट्रिक को जो है आप लिख लीजिए और उस ट्रिक के माध्यम से आपको याद हो जाएगा। देखिए ट्रिक क्या है, सच कहे तो
सच कहें तो लक आपको लेजी आदमी बना देता है। लक क्या करता है, आपको लेजी बना देता है। तो जाने मेरे भाग में होगा तो ये हो जाएगा, तो आदमी इफर्ट से लगाना छोड़ देता है। ठीक है, ये ट्रिक आप अच्छे से याद कीजिए, इससे जो है ना आप रिलेट कर जाएंगे, आपको जो है बहुत आसानी से जो है याद हो जाएगा। सच कहें तो लक आपको लेजी आदमी बनाता है। देखिए अब सच से साइन निकालिए बाहर, और साइन के साथ कौन सा रिलेट कीजिए, लक को रिलेट कर दीजिए। देखिए साइन के साथ हम लक को रिलेट करेंगे तो साइन बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। इसी का उल्टा कोसेक हो जाता है, इसी का उल्टा क्या हो जाता है, कोसेक हो जाता है। देखिए उसके बाद सच कहे तो कॉस थीटा निकालिए, कॉस थीटा बराबर क्या निकल जाएगा आपको, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। इसी का उल्टा सेक थीटा हो जाएगा, इसी का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। लेजी आदमी कहे तो कॉसे टेन थीटा बनाइए, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लेजी आदमी यानी कि लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ठीक है, इसी का उल्टा जो है कॉट थीटा हो जाएगा, बहुत आसानी से आपको याद हो जाएगा। अब देखिए ट्रिगोनोमेट्री में जो इंपॉर्टेंट चीज है ना वो है पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि जो बड़ी भुजा होता है उसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो वो अन्य दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी कि कर्ण का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर से। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है किसके स्क्वायर से, लंब के स्क्वायर से और आधार के स्क्वायर से बराबर होता है। कर्ण को हम क्या कहते हैं, एच, हाइपोटेनस। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो गया, लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर जोड़ आधार यानी कि बेस का स्क्वायर। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से बहुत सारा जो है क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए ये एक इंपॉर्टेंट चार्ट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इधर का जो है ज्यादा यूज में भी नहीं आता है, मिनिमम यूज होता है। अब ये जो फॉर्मूला है इसको आप याद रखिए और एज इट इज याद रखिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चूंकि आप जो है इसको याद रखेंगे तभी जो है ना बहुत सारा चीज आप सॉल्व कर पाएंगे आसानी से। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, और साइन 60 डिग्री का मान जो है √3/2, और साइन 90 डिग्री का मान 1, कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, 60 डिग्री का मान 1/2, और 90 डिग्री का 0। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो है ना आप चार्ट लिख लीजिए और इसे याद करने की कोशिश कीजिए। ठीक, यदि आपको याद नहीं हो रहा ये चार्ट, ठीक है, तो इसके लिए भी हम आपको एक ट्रिक देते हैं। इस ट्रिक के माध्यम से जो है ना आपको हमेशा हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए करना क्या है, आपको साइन का फॉर्मूला याद रखना है, कम से कम क्या याद रखना है, साइन का याद रखना है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, साइन का याद रखना है, साइन एज इट इज याद रखना। अच्छा, साइन का भी यदि आपको याद नहीं रह रहा हो तो आप कैसे करेंगे, ठीक है, उंगली पे कर सकते हैं, किस पे कर सकते हैं, उंगली पे कर सकते हैं। ठीक है, आदित्यपुरम के सारे स्टूडेंट ट्रिगोनोमेट्री चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, आप चुटकी बजाते जो इसे सीख जाएंगे। देखिए करना क्या है कि देखिए इस तरह से आप अपने सभी उंगलियों को लीजिए और देखिए बचपन अभी जो है ना हम लोग ऐसे करते हैं, लोग खुश हो जाता है, नहीं भाई थंबनेल जो है दिखा रहा है, थम्स अप कर रहा है। लेकिन पहले जो है ना हम लोग जब थे आप बचपन में तो ऐसे ऐसे करते थे, बोलते थे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस अंगूठे का जो है पहले कोई वैल्यू नहीं था, अंगूठा दिखाना मतलब कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, अंगूठा मतलब कुछ नहीं, ये जीरो इसको काउंट कीजिए। अंगूठे को क्या, देखिए राइट हाथ के जो है ना दाहिने हाथ के अंगूठे से चलना है, दाहिने हाथ के अंगूठा को हम क्या काउंट करेंगे, जीरो काउंट करेंगे, क्या काउंट करेंगे, जीरो काउंट करेंगे। उसके बाद ये वाले उंगली जो है तर्जनी को हम एक बोलेंगे, तर्जनी को एक बोलेंगे। ठीक है, मध्यमा को दो बोलेंगे, अनामिका को तीन बोलेंगे और कनिष्ठा को चार बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से देखिए आप याद कर लीजिए, यहां पे एक पिक्चर बना देते हैं हम। देखिए अंगूठे को आप जो है जीरो मान लीजिए, ठीक है, और उसके बाद जो है ये वाला उंगली जो है ये वाली, इस वाली उंगली को जो है आप 30 मान लीजिए,
उसके बाद बड़ी वाली उंगली को 45, उसके बाद 60, फिर 90। अब देखिए इससे आपको पूरा फॉर्मूला कैसे याद होगा, ये इंपॉर्टेंट है, समझिए इसको। इसको हम क्या मान लिया, जीरो मान लिया, इसको वन, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर, ठीक है। अब जैसे हमको निकालने के लिए कोई भी चीज बोले, जैसे कि देखिए ये जीरो डिग्री हो गया, ये कितना डिग्री, जीरो डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ठीक है। अब देखिए आपको पूछ रहा है कि साइन जीरो डिग्री, यानी कि साइन में पहला अंगूठे को निकालने के लिए कर रहा है, तो जीरो का हम स्क्वायर निकालेंगे, जीरो का क्या करेंगे, स्क्वायर निकालेंगे, जीरो का स्क्वायर जीरो हो गया, उसको दो से भाग देंगे, किससे भाग देंगे, दो से भाग देंगे, जीरो में दो से भाग दीजिए, किसी से भाग दीजिए, जीरो का जीरो रह जाएगा, ठीक है। तो साइन जीरो डिग्री यहां से पता चल गया जीरो होगा, ठीक है। अब देखिए साइन 30 डिग्री, ये एक मानना है इसको, इसको कितना माने थे, एक माने थे, ठीक है। अब एक का रूट करेंगे कितना हो जाएगा, एक ही हो जाएगा, एक का रूट करेंगे एक, और भाग किससे देना है, दो से भाग देना है, तो एक बटा दो, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना पता चल गया, एक बटा दो, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, एक बटा दो। अब देखिए साइन 45 डिग्री, यानी कि तीन नंबर पे जाना है, ठीक है, एक दो तीसरा अंगला इसको अंगली है, इसको हम कितना माने हैं, इसको दो माने हैं। अब दो का रूट कीजिए, ठीक है, दो का रूट करेंगे कितना हो जाएगा, नहीं निकलेगा, रूट दो ही हो जाएगा, दो का रूट दो ही हो गया, भाग किससे देना है, दो से। अब देखिए इसको ऊपर नीचे दोनों रूट से गुना कर दीजिए, सेम संख्या से गुना कर सकते हैं, इस दोनों को जब गुना कीजिएगा तो ऊपर दो हो जाएगा, नीचे हो जाएगा दो रूट दो, एक एक कट जाएगा, ये दो दो कट जाएगा, एक बटे रूट टू, तो इसका वैल्यू साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना निकल गया, एक बटे रूट दू, ठीक है। अब देखिए साइन 60 डिग्री का बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये इसको जीरो माने थे, इसको एक माने थे, इसको दो माने थे, ये तीन है, तो तीन का रूट करेंगे कितना हो जाएगा, रूट तीन, भाग किससे देना है, दो, तो रूट तीन बटे दो, रूट तीन बटे दो। अच्छा देखिए ये कितने नंबर में, एक, ये जीरो, एक दो तीन चार, ये चार नंबर पे है, तो चार का रूट निकालेंगे कितना निकल जाएगा, दो, भाग किससे देना है, दो, दो में दो से भाग देंगे कितना निकल जाएगा, एक। इस तरह से आपको जो है साइन का याद हो जाएगा पूरा, ठीक है। ये याद नहीं रहेगा तो आप इसे डिलीट कर पाएंगे। देखिए साइन का तो आप याद ही कर लीजिए, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। साइन आपको याद रहेगा तभी जो है आप सारे को निकाल पाएंगे, जल्दी जल्दी जो है आप इसे समझ पाएंगे। अब देखिए साइन का जस्ट उल्टा जो है कॉस होता है, यहां से लिखते जाइए। अब देखिए साइन जीरो डिग्री जो है साइन जीरो होता है, अब देखिए कॉस जीरो डिग्री कितना होता है, वन होता है, उधर से 90 को यहाँ पे लेके आए हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए 30 में 60 को लेके आए हैं, यहाँ से लेके आए हैं, देखिए रूट तीन बटे दो, दोनों सेम सेम है, 45 45 तो सेम ही हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि कॉस 60 जो है वो किसके बराबर है, वो देखिए साइन 30 के बराबर है, और देखिए कॉस 90 जो है किसके बराबर है, ये बराबर है साइन जीरो के, ठीक है। इस तरह से जो है आप साइन निकालिए, याद रखिएगा, तो इसका जस्ट उल्टा कीजिएगा कॉस हो जाएगा, इसको जो है फ्रैक्शन में डालिएगा साइन बटा कॉस, तो आपको 10 निकल जाएगा, 10 को उल्टा कीजिएगा क्या निकल जाएगा, 10 को उल्टा कीजिएगा तो आपका कॉट निकल जाएगा, ठीक है, और साइन को उल्टा कीजिएगा तो कॉसेक, और कॉस को उल्टा कीजिएगा तो सेक निकल जाएगा। आपको आसानी से सारे के सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। देखिए आपको याद करने के लिए जो है ना जरूरी है कि आपको पहले साइन अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो एक बार हम साइन का लिख लेते हैं, साइन जीरो डिग्री बराबर कितना हुआ, जीरो, कैसे, क्योंकि हम इसको जीरो माने थे, ठीक है, तो जीरो का रूट किए जीरो, जीरो से दो से भाग दिए जीरो, तो साइन जीरो डिग्री बराबर जीरो निकल के आया। उसके बाद देखिए साइन 30 डिग्री बराबर निकालना है, इसको एक माने, एक का रूट कितना, एक, एक में दो से भाग देंगे, एक बटे दो, साइन 30 डिग्री बराबर एक बटे दो। साइन 60 डिग्री की बात करें तो एक के बाद दो, दो का रूट करेंगे कितना हो जाएगा, रूट दो, रूट टू बटे दो, यानी कि एक बटे रूट टू। अब देखिए साइन 60 डिग्री, यानी कि हम एक दो तीन नंबर की बात कर रहे हैं, तो तीन का रूट करेंगे तो रूट तीन, इसमें दो से भाग दे देंगे। साइन 90 डिग्री की बात करें तो जीरो, एक दो तीन चार, तो देखिए चौथा क्या हो गया, चार का रूट करेंगे दो, दो बटे दो, यानी कि कट के कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा ये, ठीक है। ये जो है आपको कम से कम याद रखना चाहिए, ठीक है। आप उंगली में जो है आप इसे काउंट कर सकते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, चलते फिरते बोलेंगे, आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाएगा, याद हो जाएगा। अब देखिए ये यदि आपको याद है तो अब जो है इस तरह के टेबल जो है
ये आप कॉपी लीजिए, उसमें लिखिए, रैंडम लिखने का कोशिश कीजिए, देखिए आपको याद रह रहा है कि नहीं रह रहा है, क्योंकि देखिए एग्जाम में आपको बहुत कम टाइम मिलेगा और बहुत कम टाइम में आपको सॉल्व करना है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको बाय हार्ट जो है याद कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो हम इसे लिख लेंगे, तो साइन जीरो डिग्री बराबर कितना, जीरो, साइन जीरो डिग्री बराबर जीरो, देखिए साइन तीस डिग्री बराबर कितना, एक बटे दो, साइन तीस डिग्री बराबर एक बटे दो, साइन तीस डिग्री बराबर एक बटे दो, साइन पैंतालीस डिग्री बराबर एक बटे रूट दो, साइन पैंतालीस डिग्री बराबर एक बटे रूट दो, अच्छा साइन साठ डिग्री बराबर रूट तीन बटे दो। अब देखिए साइन नब्बे डिग्री बराबर एक, साइन नब्बे डिग्री बराबर एक, इसको हम लिख लिए। देखिए याद करने के लिए जो है ना, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, एक कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर कर लीजिए कि देखिए नॉट डिफाइंड कौन कौन होता है इसको समझ लीजिए पहले, ठीक है। कॉट और कॉसेक जो है जीरो डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है, ये क्या होता है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉट जो है जीरो डिग्री पे नॉट डिफाइंड है, कॉट जीरो डिग्री पे नॉट डिफाइंड है, और कॉसेक भी जीरो डिग्री पे नॉट डिफाइंड है। तो कॉट और कॉसेक ये जीरो डिग्री पे नॉट डिफाइंड है, टेन और सेक ये 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है। तो सबसे पहले ये चार चीज याद कीजिए, ठीक है, कि जो नॉट डिफाइंड है उसको याद कर लीजिए। कॉसेक जो है जीरो डिग्री पे क्या है, नॉट डिफाइंड है। टेन देखिए, टेन और सेक जो है ना 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब देखिए साइन आपको याद रखना है, अच्छे से याद रखना। देखिए इसमें भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि ये 60 डिग्री वाला जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऊपर पे लिख भी दिया है वीवीआई, ठीक है। 60 डिग्री वाला अच्छे से एकदम बैठ के रट लीजिए, ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है आपको रिलेट करेगा इसी जगह से, ठीक। अब देखिए कि जब आपको साइन याद हो जाएगा तो उससे आप सारा बना पाएंगे। देखिए कॉस जीरो डिग्री हमको निकालना है, कॉस कितना डिग्री निकालना है, जीरो डिग्री। देखिए साइन जो है कॉस के साथ, टेन जो है वो कॉट के साथ, सेक जो है वो कॉसेक के साथ, ठीक है। नब्बे डिग्री ये जो है रिलेशन मेंटेन करता है 90 डिग्री का, ठीक है। इस दोनों को यदि जोड़ेंगे एंगल को और यदि 90 डिग्री हो जा रहा है तो समझिए उसका वैल्यू भी बराबर होगा, उसका वैल्यू भी क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो जैसे देखिए कॉस 30 डिग्री निकालना है तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा साइन 60 डिग्री के, क्योंकि साइन और कॉस जो है वो वैल्यू जो है अपना शेयर करता है कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। देखिए साइन किसके साथ शेयर करता है, कॉस के साथ, साइन किसके साथ कुछ शेयर करता है, कॉस के साथ शेयर करता है, ठीक है। दोनों को जोड़ने के बाद यदि 90 हो रहा है तो वैल्यू भी क्या होगा, बराबर होगा। तो कॉस 30 में कितना जोड़ेंगे, तो साइन 60 जोड़ेंगे, ठीक है, 90 हो जाएगा। तो कॉस 30 का वैल्यू जो है साइन 60 के बराबर होगा, यानी कि रूट 3/2 हो जाएगा। 45 का तो आपको याद ही है 1/√2। 10 का देखिए और कॉट का 45 एक एक होता है, बहुत ईजी है। 10 का 45 और कॉट का 45 कितना होता है, एक एक होता है, तो ये आपको अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कॉसेक साइन का उल्टा होता है, ठीक है। अब देखिए साइन 45 एक बटे रूट दू है, तो एक बटे रूट दू को उल्टा करेंगे तो रूट दू बच गया खाली, और ये दोनों बराबर ही हो जाएगा, जोड़ने के बाद 90 हो जाता है, तो सेक भी जो है रूट दो हो गया। तो देखिए ये वाला तो आपको अच्छे से याद हो गया, ठीक है। अब देखिए कि इसको जो है सारे को बनाएंगे कैसे, जैसे देखिए कॉस जीरो डिग्री निकालना है, कॉस जीरो डिग्री निकालना है किसके बराबर होगा, वो साइन 90 डिग्री के बराबर होगा, वो किसके बराबर होगा, साइन 90 डिग्री के बराबर होगा। 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, एक, तो इसका भी वैल्यू एक हो जाएगा, ठीक है। देखिए कॉस 60 डिग्री निकालना है, कॉस 60 डिग्री वो किसके बराबर होगा, साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। साइन 30 डिग्री निकालना है, देखिए जीरो 30 एक, एक का रूट निकालेंगे कितना हो जाएगा, एक, एक बटे दो, तो कॉस 60 डिग्री कितना हो जाएगा, एक बटे दो। अच्छा कॉस 90 पूछ रहा है कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि साइन जीरो जो है जीरो होता है, तो कॉस 90 साइन जीरो के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा देखिए अब टेन कितना, जीरो कितना होता है, जीरो होता है, जीरो जीरो का मान कितना होता है, जीरो होता है। ये सब याद करना पड़ेगा आपको, समझे,
एक बार बैठ के याद करिए। देखिए आप सोचिएगा कि कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट जो है हम आंसर देने लगेंगे, बहुत जल्दी सब चीज सीख जाएंगे, ऐसे नहीं होगा। थोड़ा सा मेहनत अपने तरफ से भी इफर्ट लगाना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए टेन जीरो डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया। टेन तीस डिग्री का वैल्यू कितना होता है, वन बटे रूट थ्री, वन बटे रूट थ्री। इसको याद कर लीजिए अच्छे से, टेन तीस डिग्री का वैल्यू जो है याद कर लीजिए, वन बटे रूट थ्री, वन बटे रूट थ्री। अब देखिए टेन यदि आपको अच्छे से याद हो गया, उसके बाद देखिए कि टेन पैंतालीस डिग्री का एक, टेन साठ डिग्री का मान होता है रूट थ्री, और टेन नाइनटी डिग्री पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड। टेन नाइनटी डिग्री पे क्या होता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो गया। आप टेन का जस्ट उल्टा करेंगे कॉट हो जाएगा, तो कॉट जो है जीरो डिग्री पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉट जीरो डिग्री पे क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। आपको पहले ही बताया जीरो डिग्री पे कौन कौन होता है, कॉट और कोसेक होता है, दोनों रेड कर दिए हैं, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। सेक जीरो डिग्री पे एक हो जाता है, क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए कॉस जो है जीरो डिग्री पे एक होता है, कॉस का उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, सेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। अब देखिए कॉसेक हमको कितना निकालना है, 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री निकालना है, तो सबसे पहले हमको क्या क्लिक करना चाहिए, आपको क्लिक करना चाहिए साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, साइन 30 डिग्री का वैल्यू एक बटे दो। साइन 30 डिग्री का वैल्यू एक बटे दो, एक बटे दो को उल्टा करेंगे तो दो हो जाएगा, एक बटे दो को उल्टा करेंगे कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सेक 30 डिग्री निकालना है हमको, तो सबसे पहले क्या क्लिक करना चाहिए, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा, कॉस 60 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा, कॉस, देखिए यहां पे हमको सेक निकालना है 30 डिग्री, तो सबसे पहले सेक से हम किस पे जाएंगे, कॉस पे जाएंगे, यानी कि कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पता करेंगे। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू पता करने के लिए हमको कहां जाना पड़ेगा, साइन के 60 डिग्री के वैल्यू पे। साइन का 60 डिग्री का वैल्यू तो हमें पता ही है क्या होता है, रूट तीन बटे दो। तो रूट तीन बटे दो, तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू भी रूट तीन बटे दो, उसी का उल्टा करेंगे, दो बटे रूट तीन जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए कॉट का बात करें, तो देखिए कॉट 60 डिग्री जो है टेन 30 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि एक बटे रूट तीन हो जाएगा। कॉट जो है यहाँ पे 90 डिग्री है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा टेन जीरो डिग्री के, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, सेक जो है नॉट डिफाइंड होता है 90 डिग्री पे, याद ही रखेंगे। अच्छा देखिए फिर हमको कॉसेक 90 डिग्री निकालना है, हमको क्या निकालना है, कॉसेक 90 डिग्री। आपको डायरेक्ट जाना है किस पे, साइन पे, कुछ भी हो जाना है साइन पे। ठीक है, साइन से रिलेट करना है सबको, बहुत जल्दी निकलता है आंसर। हमको निकालना है कॉसेक 90 डिग्री, हम साइन से रिलेट करेंगे। साइन 90 डिग्री का वैल्यू एक, एक का उल्टा करेंगे, एक में एक से भाग दीजिए, एक ही हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए कॉसेक 60 डिग्री पे जाना है, तो डायरेक्ट हम कहां पहुंचेंगे, साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री रूट तीन बटे दो, रूट तीन बटे दो को उल्टा करेंगे, दो ऊपर जाएगा, रूट तीन नीचे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए अब लास्ट बच गया हमारा क्या, सेक 60 डिग्री। जैसे हम सेक 60 डिग्री समझे, तो डायरेक्ट हम किस पे गए, कॉस 60 डिग्री पे। कॉस 60 डिग्री किसके बराबर होता है, साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, साइन 30 डिग्री के बराबर होता है। अच्छा देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमें पता है एक बटे दो, तो एक बटे दो कॉस 60 डिग्री का भी वैल्यू, और सेक जो है इसका उल्टा होता है, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। तो इस तरह से पूरा का पूरा फ्लो चार्ट जो है ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कैसे आपको पता चलेगा कि कहां जा रहे हैं, किधर से आ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले साइन का वैल्यू याद रखिए। ठीक है, अब जब आपको साइन का वैल्यू याद रहेगा, क्या क्या है साइन का वैल्यू, जीरो, एक बटे दो, एक बटे रूट दो, रूट तीन बटे दो और एक, बस इतना सा ही आपको याद रखना है। इसी से सारा रिलेट करता है, इसी से सारा रिलेट कर जाएगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ज्यादा कर सकते हैं तो एक टेन का भी याद कर लीजिए। ठीक है, तो टेन होता है जीरो हो गया, एक बटे रूट तीन, एक रूट तीन, टेन नब्बे डिग्री पे नॉट डिफाइंड होता है, बस ये दो याद कर लीजिए। सारा का सारा आपको क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, आप उससे रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, मैथ क्या है, प्रैक्टिस का चीज है, समझने वाली बात है। ठीक है, तो साइन जीरो डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, जीरो हो गया। साइन तीस डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, एक बटे दो हो गया। साइन पैंतालीस डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, एक बटे रूट दो हो गया। और साइन
60 डिग्री का वैल्यू रूट तीन बटे दो हो गया, साइन 90 डिग्री का वैल्यू जो है एक हो गया। इसी तरह 10 है तो 10 जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो, 30 डिग्री का वैल्यू एक बटे रूट तीन, 45 डिग्री का वैल्यू एक और 60 डिग्री का वैल्यू रूट तीन। 10 90 डिग्री के लिए क्या बताया है, नॉट डिफाइंड। 10 और 6 जो है 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड है, कॉट और कॉसेक जो है वो जीरो डिग्री पे नॉट डिफाइंड है। अब देखिए हम कुछ निकालते हैं, निकाल के आपको बताते हैं कैसे निकलता है। जैसे मान के चलिए आपको सेक निकालना है, ठीक है, सेक 30 डिग्री का आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अब देखिए सेक से आपको कहां जाना है, कॉस पे जाना है, क्योंकि सेक जो है वो उल्टा होता है किसका, कॉस का उल्टा है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कहां चले जाएंगे, एक बटे कॉस 30 डिग्री, तो इसको तो हम डायरेक्ट रिलेट कर दिए, ठीक है। सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस, तो कॉस का उल्टा भी क्या हो गया, सेक। तो सेक 30 डिग्री को हम क्या लिख दिए, एक बटे कॉस 30 डिग्री। अच्छा देखिए कॉस 30 डिग्री जो है वो बराबर होगा किसके बराबर होगा, ये होगा साइन 60 डिग्री के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, साइन 60 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा अब साइन 60 डिग्री का वैल्यू पहले से पता है, रूट तीन बटे दो। साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या है, पहले से पता है, रूट तीन बटे दो। तो अब देखिए सेक का निकालना है, सेक का निकालना है 30 डिग्री, तो एक बटे रूट तीन बटे दो कितना हो जाएगा, दो बटे रूट तीन, यही आंसर हो जाएगा। इसको आप माइंड में जो है ना क्विक कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एक दो बार कॉपी पे लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, मन ही मन सोचिए, ठीक है। सेक था, सेक को कन्वर्ट किए किसमें, कॉस में, कॉस को फिर किसमें कन्वर्ट किए, साइन में, साइन का वैल्यू पता है, वहां से हमको सारा वैल्यू जो है ऑटोमेटिक जो है आपको माइंड में सेट हो जाएगा कुछ समय। अब देखिए जो ट्रिगोनोमेट्री है ना उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ट्रिपलेट्स। अच्छा ये ट्रिपलेट्स होता क्या है ये समझिए, देखिए सबसे पहले तो आप बेसिक समझिए इसका, कि इसका बेसिक क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है ऑड समझिए और इवन समझिए। अच्छा ऑड मतलब क्या हो गया, ऑड मतलब हो गया विषम संख्या, विषम संख्या, और इवन मतलब क्या हो गया, सम संख्या। देखिए ऑड मतलब हो गया विषम संख्या, इवन मतलब हो गया सम संख्या। बेसिक मतलब क्या हो गया, कि शुरुआती स्तर पे जो कि फंडामेंटल चीज है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बेसिक, ठीक है। अब देखिए सबसे जो बेसिक चीज है उसमें आपको ये चीज ध्यान रखना है कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर टू ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये जो है ना ट्रिपलेट्स को जो है सेटिस्फाइड करता है। ये किसको सेटिस्फाइड करता है, ये फॉर्मूला ट्रिपलेट्स को सेटिस्फाइड करता है। अच्छा ट्रिपलेट्स कहते हैं किसको, ये भी तो समझ लीजिए पहले, ठीक है। ये जो परपेंडिकुलर है ये बेस है, और जो 90 डिग्री के जस्ट सामने सामने जो है उसे क्या कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो पाइथागोरस ने थ्योरम दिया था, क्या थ्योरम दिया था, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला दिया था। तो अब मान के चलिए कि यदि ये हमारा 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर जोड़ 3 का स्क्वायर, यानी कि 25 बराबर क्या हो जाएगा, 16 जोड़ 9, यानी कि बराबर हो जाएगा 25, LHS और RHS बराबर हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे इस फॉर्मूला को सेटिस्फाइड करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपलेट्स कहते हैं, ठीक है। जो तीन जो है संख्या, प्राकृत संख्या, वो हमारे इस फॉर्मूला को जो है सेटिस्फाइड करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रिपलेट्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए एक जो आपको बेसिक चीज याद रखना है वो क्या याद रखना है, कि ट्रिपलेट्स में जो है ना शुरुआत कहां से करेंगे, जीरो से नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए किसी भी चीज को घटाएंगे या जोड़ेंगे ना, या कोई भी भुजा जीरो तो हम लोग नहीं मान सकते ना, तो कम से कम ये ए बी, यानी कि इसमें दो चीज आपको मानना है, ए बराबर और बी बराबर मानना है, ठीक है। अच्छा देखिए चूंकि घटेगा ए बी में, किसमें घटेगा, ए बी में घटेगा, तो आप जो है ए को बड़ा मानिए, ठीक, सबसे छोटा बी को क्या मान सकते हैं, जीरो नहीं मानना, तो एक मान लिए। अच्छा ए को क्या मान लिए, दो मान लिए, सबसे छोटा मान लिए, ठीक है।
अब देखिए इसको इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो ये कितना है, दो है, तो दो का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, चार, जोड़ एक का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, एक, ये कितना निकल के आया, पांच। तो यानी कि हमारा ये वाला जो है निकल के आया। अब देखिए 2ab, तो दो गुना ए कितना है, दो, बी कितना है, एक, 2ab बराबर कितना निकल गया, चार निकल गया, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि दो का स्क्वायर करेंगे चार, ए का स्क्वायर करेंगे एक, कितना निकल गया, तीन। अब देखिए इस तरह से हमारा एक ट्रिपलेट्स बन गया, तीन, चार और पांच, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, बेसिक ट्रिपलेट्स हो गया, ठीक है। अच्छा एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि बेसिक ट्रिपलेट्स जो है इसी तरह से बढ़ते जाएंगे, यहाँ पे आप नंबर चेंज करते जाएगा ट्रिपलेट्स इधर चेंज होते जाएंगे, ठीक है। नंबर चेंज करते जाइए, यहाँ पे दो के जगह तीन, यहाँ पे दो और यहाँ पे तीन लिखेगा, फिर यहाँ पे चेंज, फिर चार पांच लिखिएगा। आपको एक चीज ध्यान देना है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं यहाँ पे सात लिख दिए, यहाँ पे दस लिख दिए, यहाँ पे सात लिख दिए, यहाँ 200 लिख दिए, ऐसे नहीं, को प्राइम नंबर लिखना है। अच्छा को प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, जिसका मोलस्व एक होता है, जिसका मोलस्व कितना होता है, एक होता है। जैसे आठ लिखेंगे तो नौ लिखना पड़ेगा, ठीक है, इसी का तो एचसीएफ एक होगा। एचसीएफ जो है पढ़ाए हुए हैं आप जो है, यदि बेसिक आपको दिक्कत आ रही है समझने में कि कैसे को प्राइम किसे कहते हैं, तो आप आदित्यपुरम के प्लेलिस्ट में जाइए और उसमें जो एचसीएफ वाला जो वीडियो देख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखिए इसको यदि हम आगे बढ़ाएंगे, दो से गुना करेंगे, तीन से गुना करेंगे, चार से गुना करेंगे, पांच से, लगातार एज ऑन टू इन्फिनिटी करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, हजारों लाखों करोड़ों ट्रिपलेट्स निकलते जाएंगे। जैसे कि इसको दो से गुना कर दिए, ठीक है, तो तीन दुना कितना हो गया, छह, चार दुना आठ, पांच दुना दस, ये भी एक ट्रिपलेट्स है, ठीक है। अच्छा इसको हम चेक कर लेते हैं ये ट्रिपलेट्स है कि नहीं। तो देखिए बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे, दस का स्क्वायर बराबर छोटी दोनों का स्क्वायर का जोड़, आठ का स्क्वायर जोड़ छह का स्क्वायर। तो देखिए जब दस का स्क्वायर करेंगे तो कितना निकल जाएगा, दस का स्क्वायर करेंगे तो सौ निकल जाएगा, सौ बराबर होगा चौसठ जोड़ छत्तीस का, बिल्कुल बराबर होगा, सौ बराबर कितना हो जाएगा, सौ, एलएचएस आरएचएस बराबर होगा, यानी कि ये भी ट्रिपलेट्स है। तो यदि आप बेसिक ट्रिपलेट्स को जो है गुणा करते जाएंगे और ये फॉर्मूला यदि सेटिस्फाइड हो रहा है तो हमें जो है अनगिनत ट्रिपलेट्स मिलते जाएंगे। ये बेसिक ट्रिपलेट्स हो गया। अब देखिए सम और विषम की बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जामिनर जो है ना विषम या सम से जो है ज्यादातर क्वेश्चन देता है आपको, उतना बहुत भास्ट नहीं दे देता जो आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाए, एक मिनट दो मिनट में बहुत लंबा समय लग जाए, ठीक है। एग्जामिनर जो है ना आपको ट्रिकी क्वेश्चन देता है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देता है। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये चीज तो आप याद रखिए कि ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर, टू ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये सेटिस्फाइड करना चाहिए। अच्छा देखिए टू ए बी है यानी कि दो से गुना हो रहा है ए बी, तो आपको एक चीज तो याद ही रखना, ट्रिपलेट्स तभी बनेगा जब उसमें से कोई एक संख्या जो है दो का जो है मल्टीपल्स होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए विषम की यदि बात करें तो एक चीज आपको यह ध्यान रखना है, x कोई एक संख्या मानेंगे, इंटीजर मानेंगे, वो बड़ा या बराबर होना चाहिए तीन का। जो सबसे छोटा ट्रिपलेट्स बनेगा उसका स्टार्टिंग कहां से होगा, कम से कम तीन से होगा। अच्छा यदि हम सम की बात करें, ठीक है, तो यहां पे x जो है बड़ा या बराबर होगा कम से कम छह का, ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है, ट्रिपलेट्स में। अच्छा देखिए x बराबर यदि हम तीन मान लेते हैं तो फिर विषम ट्रिपलेट्स निकलता कैसे है, तो x हो गया पहला एक, दूसरा x स्क्वायर जोड़ एक बटे दो, तीसरा हो जाता है x स्क्वायर घटाओ एक बटे दो, ये हो जाता है फॉर्मूला। अब इसमें देख लीजिए इसमें क्या हो जाता है कि एक तो x हो गया, दूसरा x स्क्वायर जोड़ चार बटे चार, दूसरा हो जाता है x स्क्वायर घटाओ चार बटे चार, ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूला पे जो है सम और विषम का ट्रिपलेट्स निकल जाता है। देखिए अब इसको निकाल के देखते हैं, x बराबर तीन हो गया, x स्क्वायर करेंगे तीन का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, नौ हो जाएगा, नौ में एक जोड़ेंगे दस, दस बटे दो यानी दस का आधा करेंगे पांच। अच्छा देखिए फिर x का स्क्वायर करेंगे नौ, नौ में एक घटेंगे आठ, आठ में दो से भाग देंगे कितना चार, ये ट्रिपलेट्स निकल गया, ठीक है, इस फॉर्मूला के थ्रू ये हमारा ट्रिपलेट्स निकल गया। अच्छा देखिए जब आपको ट्रिपलेट्स निकलेगा और इस फॉर्मूला के थ्रू निकलेगा तो
एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि इस दोनों में जो डिफरेंस रहता है ना, वो एक का डिफरेंस रहता है। वो किसका डिफरेंस रहता है? एक का डिफरेंस रहता है। यदि आप जोड़ रहे हैं ठीक है, तो बड़ा वाला पहले आ जाएगा, यदि घटाव करके पहले लिख रहे तो छोटा वाला पहले आ जाएगा। अच्छा इसमें देखिए, एक्स बराबर छह मान लिए तो पहला तो छह हो गया। दूसरा देखिए, एक्स का स्क्वायर करेंगे चचा के, छत्तीस, छत्तीस में चार जोड़ेंगे चालीस हो जाएगा। चालीस में किससे भाग देना है? चार से भाग देना है, कितना निकलेगा? दस। ठीक है, एक्स स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? चचा छत्तीस हो जाएगा, घटाएंगे छह, बत्तीस, बत्तीस में चार से भाग देंगे, कितने बार में कट जाएगा? आठ सौ बत्तीस, आठ हो जाएगा। ये भी आपका ट्रिपलेट है सम वाला। अच्छा देखिए, विषम में एक का डिफरेंस था इस फॉर्मूला से, सिर्फ ये नहीं कि सब में, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं विषम में भी एक का ही डिफरेंस रहे, लेकिन इस फॉर्मूला से जो निकालेंगे उसमें एक का डिफरेंस रहेगा, और इस फॉर्मूला से निकालेंगे यदि सम तो उसमें दो का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है बहुत सारे ट्रिपलेट्स होते हैं, और ट्रिपलेट्स को आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे और समझ पाएंगे। आप टास्क के रूप में क्या कीजिए कि इसमें मान बढ़ाते जाइए, ठीक है, तीन है उसके बाद फिर पांच लीजिए, सात लीजिए, ग्यारह लीजिए, कम से कम जो है ना कुछ विषम संख्याओं का और कुछ सम संख्याओं का जो है आप ट्रिपलेट्स अपने से खुद से बनाइए, तो अब आपको जो है याद भी हो जाएगा ये सारे जो है ट्रिपलेट्स। तो अब आते हैं फॉर्मूला पे। देखिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक एक करके सारे फॉर्मूला जो है बहुत आसानी से आपको हम कवर करा देंगे। देखिए फॉर्मूला क्या है इसको समझिए। तो सबसे बेसिक जो फॉर्मूला है उसे समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। देखिए आपको उंगली पे काउंट कर लेंगे, सारा फॉर्मूला उंगली से निकल जाएगा। ठीक है, सारा फॉर्मूला जो है ना चुटकी में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए तीन उंगली है, तीन उंगली लेना है। अब देखिए सारे उंगली में इस तरह का डॉटेड डॉटेड दो डॉट रहता है ना, ये बड़ा वाला उंगली हो गया और ये छोटा वाला हो गया। तो देखिए इस तरह से आप अपने उंगली लीजिए, फिंगर पे जो है सारे फॉर्मूला आपको जो है ए टू जेड काउंट हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए पहला लाइन को छोड़ देना है, दूसरे में लिखना है साइन, दूसरे में क्या लिखना है साइन, उसी के जस्ट बगल में लिखना है कॉस, तो साइन थीटा कॉस थीटा लिख देना है। ठीक है, अच्छा देखिए पहला जो छोड़े थे इसमें पहला नहीं छोड़ना, इसमें पहले में लिखना है, यहां पे लिखना है टेन थीटा और यहां पे क्या लिखना है कॉट थीटा। ठीक है, इसमें बीच छोड़ देना है, सबसे ये ऊपर वाले में क्या किए थे, पहला छोड़े थे इसमें बीच छोड़ दिए। ठीक है, इसमें फिर पहला छोड़ेंगे, यहां पे लिखेंगे सेक थीटा और उसका बगल में लिखेंगे कॉसेक थीटा। इस तरह से उंगली पे जो है इसको सजा लीजिए। ठीक है, यहां पे लिखना है क्या कि साइन थीटा कॉस थीटा, पहला उंगली छोड़ के दो में लिखना है साइन थीटा कॉस थीटा, उसके बाद पहले से स्टार्ट करना है, बीच वाला छोड़ना है टेन थीटा, बीच वाला छोड़ के कॉट थीटा, उसके बाद क्या करना है कि फिर पहला छोड़ना है कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉसेक थीटा, इस तरह से जो है लिख लेना है। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है कि इस तरह से जो है एरो बना दीजिए, ठीक, इस तरह से एरो बना लीजिए। अब देखिए इससे सारा फॉर्मूला जो है आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए जो जिसके क्रॉस में बैठा हुआ है, आमने सामने जो जिसको बैठा हुआ है उल्टा होता है। ठीक है, तो साइन के सामने सामने कौन बैठा है? कॉसेक बैठा हुआ है। साइन के सामने सामने कौन बैठा हुआ है? कॉसेक। तो साइन थीटा उल्टा होता है कॉसेक थीटा का, एक बटा कॉसेक थीटा। यहां से देखिए फॉर्मूला बाहर निकल गया हमारा। ठीक है, एक बटे कॉसेक थीटा। अब देखिए कॉस थीटा बराबर हमको निकालना है, कॉसेक थीटा बराबर यदि निकालना है तो इसके उल्टे में भी तो साइन ही बैठा है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टे में बैठा, तो कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा एक बटे साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए कॉस के उल्टे कौन बैठा है? सेक बैठा है, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक बटे कॉस थीटा। अच्छा देखिए कॉस के उल्टे भी तो सेक बैठा है, तो कॉस थीटा बराबर यदि लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? एक बटे सेक थीटा। काफी आसान फॉर्मूला, इतना ज्यादा आसान है कि एक बार आप समझ जाएंगे आपको फिर कभी दिक्कत नहीं हुई। हमेशा साइन थीटा कॉस थीटा लिखना है, टेन थीटा कॉट थीटा लिखना है, सेक और कॉसेक लिखना है, क्रॉस कर देना, जो जिसके अपोजिट में होता है वो उसका उल्टा होता है। अब देखिए टेन के अपोजिट में क्या है? कॉट। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? एक बटे कॉट थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो गया? एक बटे कॉट थीटा। कॉट थीटा भी टेन थीटा के अपोजिट में है, तो कॉट थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा? एक बटे टेन थीटा। इससे जो है ना बहुत सारे फॉर्मूले और भी निकलेंगे। ठीक है, कई फॉर्मूले इससे बनेंगे।
देखिए तो इस तरह से जो है ना, इससे बहुत सारे फॉर्मूले और भी बन सकते हैं। तो अगले वीडियो में जो है ना, हम सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो इसी के साथ जो है आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। जल्द मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में बहुत ही और ढेर सारे फॉर्मूला के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और स्टडी रिलेटेड जितने भी ग्रुप है सब में जो है आदित्यपुरम का लिंक शेयर कर दीजिए। हमारा सोशल मीडिया हैंडल जो है आदित्य सम्राट भागलपुर के नाम से है। आप हमसे यदि पर्सनली जुड़ना चाहते हैं, इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर, सारा सोशल मीडिया जो है हमारा आदित्य सम्राट भागलपुर के नाम से है। आप हमसे पर्सनली जुड़ सकते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कंपनी का बोर्ड लाइन नंबर है 8877555444। आपसे यदि कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, आपको कहीं डाउट रह जाता है, तो आप व्हाट्सएप कीजिए और फोटो क्लिक करके हमको भेजिए। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे आपके द्वारा भेजे गए सारे क्वेश्चन का जो है डिटेल्ड एक्सप्लेन करके आदित्यपुरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे वीडियो अपलोड कर दें। लव यू टू, जय हिंद। टेन पुलिस बन गया, कॉस बेचारा पीछे रह गया। साइन परेशान है, कॉस बीमार है, कौशिक के पास एचपी का लैपटॉप है, और शेख हमेशा बोलता है अल हबीबी, प्लीज सब्सक्राइब आदित्यपुरम।